क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शुभम है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सिलीगुड़ी का रहने वाला हूँ। अच्छा, दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में आज ही आया हूँ, थोड़ा काम था इसलिए। 22 जनवरी नज़दीक आ गया है, रामलला आ रहे हैं अपने मंदिर में, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है। मैंने देखा कुछ चीज़ें यहाँ पर परिवर्तन हुए, जैसे चारों तरफ से भगवा कलर के जो झंडे होते हैं वो लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? जी ये एक बहुत ही गर्व का माहौल है हमारे भारत के देश में, स्पेशली हिंदुओं के लिए, और देख सकते हैं कि लोग बहुत खुश है। जब भारत, जब 15 अगस्त आता है तब इतने हमें नेशनल फ्लैग्स नहीं दिखते हैं जितने अभी हमें जय श्री राम के झंडे दिख रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन यहीं पर विपक्ष कहता है कि महंगाई इतना ज़्यादा है, युवा बेरोजगार है, और सत्ता पक्ष जो है मंदिर और मस्जिद में लोगों को उलझाए हुई है, कितना सहमत है? जी मैं बहुत हद तक सहमत हूँ इस बात से ऑपोजिशन का। ऑपोजिशन का मुख्य मुद्दा इस देश में यही होना चाहिए कि जहाँ पे गवर्नमेंट गलत कर रही है वो दिखाना, और ये बिल्कुल सही है। हम देख सकते हैं कि गरीबी कितना बढ़ा हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा हुआ है, और पॉलिटिक्स के चक्कर में राम मंदिर का इनॉग्रेशन, जबकि वो बना भी नहीं है अभी तक अच्छा से, इतना पहले किया जा रहा है। ऑब्वियसली ये कुछ हद तक गलत है लेकिन बहुत हद तक सही भी है। सही क्या लगता है और गलत क्या लगता है? गलत यही है कि इंडिया में सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है जिसके हिसाब से आपको स्टेट को इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अच्छा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा हमारी रूलिंग पार्टी का, जो कि गलत है। लेकिन सही ये भी है कि रूलिंग पार्टी हमारे जो मेजॉरिटेरियन सेंटिमेंट्स है, जो हिंदू देश है, उसको सामने आ रहे हैं अपने हिंदुत्व आइडियोलॉजी की तरह। अच्छा। तो वो कुछ हद तक सही भी है। अच्छा, युवा बेरोजगार है राहुल गांधी जी का मेन मुद्दा है इस समय, कितना सहमत है इन सब? देखिए राहुल गांधी जी, अब मैं क्या सहमति जताऊँ उनसे, स्टैट्स लाइए अगर आप फैक्ट्स देखेंगे तो जी हाँ बिल्कुल युवा बेरोजगार है। लेकिन ये ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ भारत में है, ये हर जगह हो रहा है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज किया। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पर निकले हैं, एक बार भारत जोड़ो यात्रा किए, अब न्याय यात्रा पर हैं, क्या कहेंगे? वो भारत जोड़ो यात्रा बस नाम दिया गया था, भारत जोड़ो यात्रा था नहीं, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा था। वो उनको दिखाना था कि उनका इम्पोर्टेंस अभी भी कांग्रेस में बहुत है, और भारत जोड़ो तो बस उसको नाम दे दिया गया था। अच्छा। और अभी भी एक वही प्रयास है कि बीजेपी को एक अपना ऑपोजिशन दिखाया जाए कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं इस कंट्री में। अच्छा। क्योंकि लोग भूले जा रहे हैं कि कांग्रेस का भी कोई महत्व हुआ करता था। तो बस अपना महत्व दिखाने के लिए वो किया जा रहा है और कुछ खास नहीं है। महागठबंधन बन चुका है, छोटी बड़ी पार्टियां इकट्ठा हो चुकी हैं, राहुल गांधी जी के साथ में है, 24 का चुनाव एकदम नज़दीक में है, क्या लगता है असर कर पाएगा 24 के चुनाव में, या सत्ता पक्ष बरकरार रहेगा यानी कि मोदी जी रहेंगे? देखिए क्या होगा वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन 2019 में भी महागठबंधन बना था, हम सब ने देखा था क्या हुआ था। इस बार भी बना है, और इस बार भी अगर आप देखोगे कि अभी स्टेट इलेक्शंस हुआ था उसमें भी ये महागठबंधन ने महागठबंधन के बीच में खुद बहुत सारी दरारें आई। हमारे दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कहा था कि वो कभी कांग्रेस के साथ अलायंस में नहीं आएंगे, वो खुद महागठबंधन के एक हिस्सा है, तो फिर वो भी बहुत हद तक मुझे नहीं लगता कुछ खासा प्रभाव। राहुल गांधी जी को नेता मानते हैं कि नहीं मानते? मानता हूँ, पॉलिटिशियन है जब तक वो हाउस के अंदर है, जब सस्पेंडेड है तो नहीं है। अच्छा, क्या चीज़ें अच्छा लगती हैं राहुल गांधी? देखिए राहुल गांधी जी जितना एजुकेटेड कोई नेता नहीं है, उन्होंने जितनी पढ़ाई की है उतना कोई नहीं किया है, तो वो एक बहुत 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 अच्छा चीज़ है जो कि हमें इंडिया में देखना चाहिए कि पॉलिटिशियंस का भी एजुकेशन लेवल होना बहुत ज़रूरी है। जो कि राहुल गांधी जी एजुकेशन के मामले में बहुत है उनके पास, कह रहे हैं बेकार की एजुकेशन है, कोई एजुकेशन नहीं। जिसे अपनी मातृभूमि का, अपने संस्कारों का पता ना हो, वो कौन सी एजुकेशन, कौन सी शिक्षा, ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं, यूजलेस, टोटल यूजलेस। इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसके नेता हैं, आप कह रहे हो कि यूजलेस? हाँ यूजलेस है, क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राम मंदिर में राजनीति हो रही है, क्या वो पार्टी नहीं जानती कि वो मंदिरों में बहुत जमाने से राजनीति कर रही है? पिछले 70 सालों से मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों में सरकारी नियंत्रण कांग्रेस पार्टी का नियंत्रण है, वो सरकारी हस्तक्षेप नहीं है, वो सरकारी नियंत्रण नहीं है, वो पार्टी का नियंत्रण नहीं है। अगर राहुल गांधी को इतना पता नहीं है, राहुल गांधी की माँ को इतना पता नहीं, राहुल गांधी की पार्टी के अध्यक्ष को इतना पता नहीं, खड़गे को, जहाँ कर्नाटक से आते हैं, 34,500 मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण बताया जाता है, तो मैं समझता हूँ ऐसे मानसिक दिवालियों से देश ही बचाए। लेकिन उनका ये भी कहना है कि आज राम मंदिर बन रहा है, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करने प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, लेकिन ताला सबसे पहले कांग्रेस ने ही खुलवाया था। तो आज क्या दिक्कत है, कांग्रेस ने खुलवाया था, तो कह रहे हैं कि राजनीतिकरण किया जा रहा है। राजनीतिकरण कह रहा हूँ कि देश के लगभग 4,00,000 मठों मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है, कोई MP, MLA, पार्षद, पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का चीफ मिनिस्टर
मंदिरों में घुसा पड़ा है, उसकी नीति, उसके नियम, उसके डांट, उसके हिसाब से मंदिर चल रहे हैं। देश के लगभग 4 लाख जिसमें आज भी 65,000 मंदिर कांग्रेस पार्टी के नियंत्रण में हैं, तो इन नेताओं को समझ नहीं आती कि इन मंदिरों में भी तो घुसे पड़े राजनीति कर रहे हो तुम लोग। अरे दोगलो तुम्हें, अगर राजनीति नहीं करनी है मंदिरों में, अगर इतनी ही नफरत है मंदिरों में राजनीति करने से, इतने ही तुम निष्ठावान और निर्णायक नेता हो, तो पहले 65,000 मंदिरों से कांग्रेसियों को बोलो कि बाहर निकल जाए, फिर हम भाजपाइयों को बोले बाहर निकल जाए, वामपंथियों सामपंथियों तमिलनाडु केरला कर्नाटक से लेकर के आंध्र और उड़ीसा के मंत्रियों मुख्यमंत्रियों को बोला जाए। लेकिन ये दोगली नीति, दोगले स्टेटमेंट, दोगले विचार, दोगली थॉट प्रोसेस और देश को बेवकूफ समझना कांग्रेस की ही फितरत है, मुझे लगता है ये किसी और की नहीं। प्रधानमंत्री ने कोई नया काम किया क्या? जब 4 लाख मठ मंदिर में सरकार घुसी पड़ी है, तो एक मंदिर में फीता काट देने से कौन सा प्रोटोकॉल राजनीति का टूट गया, या पार्लियामेंट का बनाया कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बिखर गया?